यहाँ पर ये देखिए अनेबल टू गेट आईएमई आ रहा है। रीज़न क्या है इसका कि इसका जो बेस बैंड है वो अनऑन हो चुका है। मैं आपको इसका बेस बैंड दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए जो बेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसका अनोन दिखाई दे रहा है। साल से मैंने काम किया है दुकान पे, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और आपसे सर मुझे दो दिन में ऐसा पता चला कि अब मैं बहुत फुल मैकेनिक बन चुका हूँ। बन सकते हैं और ट्रेसिंग आपको समझ में आई है? तो मतलब पहले भी सीखा है सर टाइम पे, तो बस मोबाइल का कॉम्बो वम्बो और ये सर स्पीकर चेंज करना सिखाया था, पर यहाँ के मामले भी कोई चीज होता है उसको भी टेस्टिंग किया जाता है और चेक किया जाता है। सर तुमने इससे पहले कभी सर्किट बनाया था क्या? इससे कभी नहीं बनाया, और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया उसका ट्रेस किया सीरीज पैरेलल, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी है। 8 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला सर। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, मेरे साथ में एक मोबाइल फ़ोन आप ये देख रहे हैं, ये है नोट 3, और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए आईएमई इसमें नहीं दिख रहा है, मैं फिर से दिखा रहा हूं इसमें यहां पर, ये देखिए अनेबल टू गेट आईएमई आ रहा है। रीज़न क्या है इसका कि इसका जो बेस बैंड है वो अनऑन हो चुका है। मैं आपको इसका बेस बैंड दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए जो बेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसका अनोन दिखाई दे रहा है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर इस पर वीडियो की सही जानकारी आपको लेना है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम एसर टेलीकॉम है, यहाँ पर हमारा EMC प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हम क्लास करते हैं जो आपको इंडिया लेवल में मिलेगी। बाकी आप सारी वीडियो में हमारे बारे में पता कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे बारे में पता करना है तो आप मेरा नाम गूगल में डालिए देवरत्न अग्रवाल, तो आपको मेरे बारे में पता मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे बनाया। तो सबसे पहले देखिए मैंने केबल को कनेक्ट करके रखा हुआ है, और मैंने इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करके रखा हुआ है। डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करने के जो तरीके हैं वो हम तरीके इसमें यूज़ कर चुके हैं। अगर आपको जानना है कि वो तरीके क्या हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर का बैच हर महीने की 13 तारीख को लगता है। अच्छा देखिए इसमें मैंने टूल यूज़ किया हुआ है, जैसे ये टूल है आप देख रहे हैं, ये एक फ्री है टूल है QCN, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। बाकी इसकी वीडियो की लिंक आपको बराबर की टूल की लिंक आपको नीचे हम दे देंगे। यहाँ पे आपको देख रहे हैं जैसे Note 3 दिख रहा है, और इसमें एक हमें एक QCN फाइल मिल गई है दोस्तों। QCN फाइल होता है Qualcomm कैलिब्रेशन नेटवर्क, ये एक आपकी बेसबैंड की फाइल होती है जो Qualcomm के CPU के साथ आती है। अगर आपको इस फाइल अगर आपके पास ये फाइल होगी तो आप किसी भी इसी फ़ोन का संबंधित बेसबैंड को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इस फाइल को मैं कर देता हूँ यहाँ से स्ट्रैक, और स्टैक करके अपने एक विंडो में डाल देता हूँ। जैसे सपोज मैंने इसको यहाँ पर दे दिया है, और मुझे एक टूल चाहिए जो QCN टूल है, तो मेरे को लगता है कि क्यूफिल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। और मैंने देखे अपने फ़ोन को डायग्नोस्टिक मोड पर डाला है। अगर आपको नहीं पता डायग्नोस्टिक मोड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि कैसे लाना है, अगर आपको नहीं पता कैसे रिपेयर करना है क्यूफिल या QPSC टूल क्या होता है, तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। सो हर महीने की 13 तारीख का बैच है, और यहाँ पर दोस्तों आप आइए, और हम आपको 13 तारीख से 25 तारीख तक हमारी क्लास चलेगी। हर दिन 6 घंटे की 7 घंटे की क्लास है, सब कुछ प्रैक्टिकल है यहाँ पर। तो ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है आप सीख पाए नहीं सीख पाए, पर यहाँ आके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए अब मुझे करना क्या है, तो अगर ये पोर्ट नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पोर्ट में जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। टूल्स में जाइएगा और QCN बैकअप में हम सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे वो फाइल को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से मेरा QCN वाली फाइल, तो ये देखिए ये Note 3 वाली फाइल है, और इसको यहाँ पर रीस्टोर में टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर रीस्टोर में टिक किया और ये यहाँ से राइट हो रहा है। तो चलो देखते हैं ये राइट होने के बाद में मेरा इसमें बेसमेंट आपको दिखता है कि नहीं दिखता। अच्छा अच्छी बात ये है कि बेसमेंट आ जाएगा तो साथ में IMEI भी आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो ये अभी भी चल रहा है, आप जैसे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर फाइल अभी भी चली रही है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया इसके साथ कि हमारा EMC की क्लास अभी चालू हुई है नई 20 तारीख से। अभी हमारा नया बैच है 1 मार्च को, आप इस मार्च को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च को हमारा EMC का बैच,
और हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी ऑलरेडी क्लास में मैं अपने सारे बच्चों को समझा चुका हूँ, और हर एक को QCN का मतलब पता है, हर एक को QCN को रीड राइट करना आता है, हर एक को पता है कब QCN बेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें, कब QCN फाइल की ज़रूरत पड़ती है और कब कब बेसमेंट जा सकता है। यही तरीके हैं, सही तरीका अगर पता होगा तो आप सही तरीके से फ्लैशिंग कर पाएंगे। अच्छा देख रहे हैं यहाँ पर अपने ये रिस्टोर सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके आपके सामने चेक कर रहा हूँ, देखिए। सो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को रिबूट करूँगा, तो रिबूट करना ज़रूरी है। तो देखिए हम यहाँ पर फ़ोन को रिबूट कर रहे हैं, ये हमारी नई EMC की क्लास है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और अभी इसमें मैं इसकी पूरी क्लास झलक इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे इसमें सेटअप बाकी है, बहुत सारे माइक्रोस्कोप इसमें लगने बाकी हैं। सो सारी क्लास, सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं जो हम आपको आने वाली दिनों में आपको बताएंगे। तो देखिए ये फ़ोन मेरा यहाँ पर चालू हो चुका है। अब मैं इस फ़ोन का IMEI चेक कर लेता हूँ। तो मैं *#0##6#। सो देख रहे हैं आप जैसे इस फ़ोन का IMEI भी यहाँ पे आ चुका है, और अगर मैं इसके QCN की बात करूँ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर QCN पे जाएंगे। तो इसके हम अबाउट में जाते हैं, और देखिए इसका बेस रेट भी आपको यहाँ पर शो हो गया है। सो दोस्तों अब इसका नेटवर्क भी आ जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए देखते रहें एशिया टेलीकॉम, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और लाइक कर दें वीडियो को पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हमने बताया है कि किस तरीके से हमने QCN डाल के अपने फ़ोन का QCN फाइल डाल के अपने फ़ोन का बेसमेंट बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप हार्डवेयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर का कर सकते हैं, आप EMC का कर सकते हैं, और अगर आपको एक कंप्लीट टेक्नीशियन बनना है तो आप तीनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे हर महीने यहाँ पर हर महीने 28 तारीख को यहाँ पर बैच लगता है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, ये सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10% लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुटून परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगी। इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.